गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है शाम का 5:30 और हम लोग रेडी हो रहे हैं कल जाने के लिए। और यहाँ पे बन रहा है मालपुआ, पता नहीं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मालपुआ बोलते हैं और इसको हिंदी में मालपुआ ही बोलते हैं। पता नहीं ये कैसा वाला सेब हुआ है गाइस, राउंड राउंड तो नहीं लग रहा है। जो भी है खाना पड़ेगा। हाँ क्या करूँ, अभी जो भी है खाना तो पड़ेगा ही। लेकिन मैंने अभी एक टेस्ट करके देखा है, टेस्ट तो बड़ा सही हो रहा है। तो ये देखिए मालपुए को अभी किया जा रहा है पैकिंग डब्बे में, ये कल जाने वाला है हम लोगों के साथ और ट्रेन में ही ख़त्म ना हो जाए। मुझे तो पूरा भरोसा है कि तुम ट्रेन में ही सब ख़त्म कर दोगे। अरे ट्रेन में नहीं ख़त्म करेंगे हम। ये दो ट्रॉली जो है हम लोग लेके जाने वाले हैं, इसमें शायद ऑलरेडी कुछ भरा पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या क्या भरा है सब फैमिली ने। और कपड़े वगैरह पूरा यहाँ पे फैला हुआ है, आप लोग देख सकते हो कपड़े का, सोफे का हालत। ये बहुत इम्पोर्टेंट है चार्ज देने के लिए। और ये गया मेरा लेदर जैकेट। तो अभी जस्ट हम लोग का डिनर कंप्लीट हुआ है और पैकिंग भी सारा हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, तो चलिए मिलते हैं कल सुबह। तो गाइस हम लोग अभी दौड़ रहे हैं, मतलब बहुत लेट हो गया है हम लोग का, पल्लव चला गया है आगे आगे। मॉर्निंग गाइज, अभी टाइम हो रहा है सुबह का 10:37 और हम लोग खड़े हुए हैं बर्लिन सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। तो आज हम लोग फिर जा रहे हैं नीदरलैंड, हम लोगों का थोड़ा एक काम भी है और घूमना भी हो जाएगा, तो जुड़े रहिए हम लोगों के साथ। तो ये है हमारा ट्रेन 10:46 में, ये जा रहा है डुसेलडॉर्फ। ट्रेन का नंबर है ICE, मतलब यहाँ का इंटरसिटी एक्सप्रेस, जैसे हमारे उधर रहता है इंटरसिटी एक्सप्रेस वेस्ट बंगाल में और बहुत सारे स्टेट में भी चलता है इंटरसिटी एक्सप्रेस, वैसा ही है। और ये जो ट्रेन अभी खड़ा हुआ है इसको कहते हैं RE, ये छोटे डिस्टेंस में जाने के लिए है, और ICE जो है लॉन्ग डिस्टेंस में जाने के लिए है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर चार्ट लिस्ट दिया हुआ है, पूरा 2 महीने का चार्ट लिस्ट दिया हुआ है, कौन सा ट्रेन कहाँ से जा रहा है, कहाँ से आ रहा है और उसका टाइम टेबल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग, हमारा ट्रेन यहाँ पे ढूंढ नहीं पाए, या फिर है ही नहीं यहाँ पे ट्रेन। वो शायद हम लोग अभी राइट प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और ये प्लेटफॉर्म नंबर 13 है। तो फाइनली गाइस चढ़ गए हम लोग ट्रेन पे और सोमिली का हालत देख सकते हो आप, बहुत ही बहुत स्ट्रगल करके चढ़े क्योंकि ट्रेन यहाँ पे रुका सिर्फ 4 मिनट के लिए, रुका प्लेटफॉर्म पे और अचानक से बॉगी नंबर बदल गया, तो हम लोगों को चढ़ना था बॉगी नंबर
यहाँ पे बोलते हैं वैगन नंबर 22 पे, और हम लोग खड़े सही जगह पे थे, लेकिन अचानक से वो चेंज हो के कोई दूसरे जगह पे हो गया। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म में 4, 5 या 6 डिवीज़न किया हुआ है हर एक प्लेटफॉर्म में। जैसे 13 नंबर प्लेटफॉर्म में हम लोग खड़े हुए थे, तो वहाँ पे ए से जी तक था, तो हम लोगों को खड़ा होना था डी में, और हम लोग खड़े हुए थे, लेकिन ट्रेन फिर फाइनली हमारा वैगन जो है 22 नंबर वैगन वो आया ए पे, तो बहुत ही फिर रश हो गया और हम लोग चढ़ गए 27 पे, और 27 से 22 तक आने में गाइस जो हालत हुआ है हमारा, मतलब बता नहीं सकते। और आप लोग देख सकते हो सीट यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, मतलब जो हालत हुआ, मतलब इंडिया में जैसे लोकल ट्रेन में वैसा भीड़ था ट्रेन के अंदर। इंडिया में जैसे लोकल ट्रेन में भीड़ होता है वैसा ही भीड़ था, और दिखा तो रहा है कि ये ट्रेन पूरा रिजर्व है, लेकिन बहुत सारा सीट अभी खाली है, शायद वो किसी और जगह से चढ़े। और यहाँ पे लगेज रखने के लिए बहुत अच्छा बंकर जैसा किया हुआ है, और ऊपर भी आप लोग देख सकते हो रख सकते हो लगेज वगैरह, लेकिन ऊपर जगह थोड़ा कम है। यहाँ पे छोटा छोटा बैग या फिर छोटा ट्रॉली तो रख सकते हो आप, और बड़ा वगैरह जो है वो बड़ा वाला ट्रॉली जो है वो आप यहाँ पे रख सकते हो, और हर एक सीट के सामने टेबल वगैरह फोल्डेबल टेबल दिया हुआ है जो आप चेंज कर सकते हो, जो आप बंद भी कर सकते हो। अरे नहीं टूटेगा क्लिप, जो आप बंद कर सकते हो ये फोल्डेबल टेबल, और लेग रूम थोड़ा बढ़ा सकते हो। तो यही है हमारा जर्नी, और बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा है, एक बार घुमा देता हूँ बाहर में। बुलेट ट्रेन बोल तो रहा है लेकिन पता नहीं कितना स्पीड है, मोबाइल में शायद आता होगा कोई स्पीड मेज़र करने के लिए ऐप। ये देखिए 199 किलोमीटर अगर दिख रहा है तो जूम कर देता हूँ थोड़ा, हाँ 200 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है, लेकिन पता नहीं भाग रहा होगा शायद, रिलेटिव वेलोसिटी से पता नहीं चल रहा है बाहर का वेलोसिटी कितना है। तो चलिए फिर मज़ा लेते हैं बाहर का नज़ारे का, और आप लोग तब तक म्यूज़िक सुनिए।